जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। नोटबंदी हुई रात के 8 बजे, स्क्रीन काली हुई, चेहरा नमूदार हुआ और उसने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 की नोट रद्दी है, कागज का टुकड़ा है। हालांकि वो झूठ बोल रहे थे, कागज का टुकड़ा नहीं था उस समय तक, आप बदल सकते थे उसे, नोट अमान्य हो गए थे, बदले जा सकते थे। लेकिन किस तरह से ड्रामेटिक तरीके से तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुला करके ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई जैसे जंग छेड़ने जा रहे हो। सच यही है कि वो जंग ही छेड़ रहे थे, लेकिन वो जंग इस देश के आम आदमियों की जेब से थी। 500 का जो पुराना नोट था, 1000 का जो पुराना नोट था, उससे तकरीबन 35 दिन तक डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन उस 500 के पुराने नोट से दूध नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी, अनाज नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी और दूध आम आदमी की है, किसानों की है। सोचिएगा, 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनने वाले 2.5 साल में ये कहते हैं कि देश हित में फैसला है। देश हित में फैसले ऐसे नहीं होते साहब, और देश हित का फैसला जो है वो आवाम ने ही उसका ठेका थोड़ी ले रखा है। आप गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 घंटे के भाषण में 3 कपड़ा बदलेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम कतार में खड़े खड़े मर जाएं। बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर चुप रहे तो ये वक्त बहुत बुरा है, जो चुप रहते हैं वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, आज वो चुप हो गए, वक्त को नहीं पहचान सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी। मैं नज्म का पहला बंद पढ़ता हूं साहब। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कि हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए, हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए, वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए। कहां तो कह रहे थे मुझको फांसी पर चढ़ा देना, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए। 50 दिन पूरे हुए, मैं 46 मिनट तक लाइव सुनता रहा, झेलता रहा कि काश वो ये कह दें कि मैंने काले धन के खिलाफ जो मुहिम शुरू की थी मैं उसमें हार गया, कौन से चौराहे पर आऊं। लेकिन ये छोड़ करके उन्होंने सब भाषण पिलाया, लेकिन कहीं से भी न चौराहे का जिक्र आया, न फांसी पे लटकने का जिक्र आया। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाए आएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। जेएनयू को सलाम कि आप उस शख्स के शातिर पने को समझते हैं और उसी तेवर के साथ उससे लड़ते हैं, वरना जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ना,
वो उसका शातिरपना नहीं समझ पा रहे हैं। वो शख्स रिश्तों का भी कितना इस्तेमाल करता है कि अपनी 97 साल की बूढ़ी माँ को 4500 रुपया निकालने के लिए कतार में खड़ा कर देता है। आप समझिए कि वो रिश्तों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और हद तो यह है साहब कि जब उनकी माता जी पैसे निकालने गई तो लिमिट 4500 थी, वो निकाल करके नहीं दूसरे दिन 2000 कर दी गई। उनकी माता जी निकाले तो 4500 और हमारी आपकी माता जी जाए तो 2000। यह भी नाइंसाफी का एक आलम है। मैंने एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीजा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर, माँ जैसे पाकीजा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मैं ये बंद पढ़ता हूँ साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। लाइन में खड़े हो तो भक्त तैयारी है, कहते हैं पेटीएम करो, पेट्रोल टंकी बजाओ, पेट्रोल और डीजल भराओ तो पेटीएम करो। कैसा जाहिलाना फैसला है। हम पिछले 10 साल से पेट्रोल टंकियों पे एक स्लोगन पढ़ते आ रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए, विस्फोट हो सकता है। और अब बताइए कि जब विस्फोट हो सकता है तो आदमी पेटीएम कैसे करेगा। हद है जाहिलियत के साथ। पता नहीं कौन है उनके इर्द गिर्द जो उन्हें ये बातें समझा रहा है। मैं बोलता हूँ साहब ये मुझसे के माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, भर गया पानी है कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, जालिम ताना शाह की देखो ये है। बहुत शुक्रिया। मैं 2 मिनट में आखिर में एक बहुत छोटी सी नज्म वो सुनाता हूँ, चूंकि नजीब की अम्मी यहाँ बैठी हुई हैं और ये नज्म पढ़ते हुए कहते हुए बारहा रोया मैं तमाम मुशायरों में हिंदुस्तान के बाहर भी जहां मैं जा सका मैंने वहां इस नज्म को पढ़ा, अपना एक मिशन समझ के इस नज्म को पढ़ा और सोच रखा है कि जब तक नजीब सही सलामत हमारे बीच में वापस नहीं आ जाते तब तक मैं इस नज्म को पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर पढ़ता रहूंगा। मैं जब 3-4 दिन हुआ था उस हादसे का, उसके बाद मैं आया था एड ब्लॉक ही गुमनाम तरीके से, उन्हें देख करके नजीब की अम्मी को देख करके मैं वापस लौट गया था। हिम्मत नहीं हुई थी वहां कुछ देर और बैठ पाने की। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि नजीब की अम्मी जो यहाँ पे रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, अगर उनकी जगह मेरी अम्मी होती तो नजीब की जगह कोई इमरान होता, कोई रवि होता, कोई अशोक होता, कोई अनस होता तो। लेकिन दुनिया चुप है साहब। अपने अपने एसी कमरे में बैठे हुए लोग तबसरा तो कर रहे हैं लेकिन सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। ये मुश्किल दौर है, इस मुश्किल दौर से बहुत हिम्मत से लड़ने की जरूरत है। आपके सब्र का मुसलसल इम्तहान लिया जा रहा है, आपको झलाया जा रहा है। लेकिन सलाम फिर जेएनयू को, मैं पूरे देश में ये बात कह रहा हूं कि एक ऐसा बच्चा जिसने एडमिशन लिया, एडमिशन लेकर के वापस चला गया और कुछ दिन बाद वो आकर के हॉस्टल में शिफ्ट होता है। मेरा ख्याल है कि जेएनयू के तमाम बच्चों से उसकी मुलाकात भी सही से नहीं हो पाई रही होगी। लेकिन आप सलाम करिए जेएनयू के उन बच्चों के हौसलों को और उनके आंदोलन को कि एक ऐसे बच्चे की लड़ाई वो पिछले 70-72 दिन से लड़ रहे हैं जो न सही से उनका दोस्त था, न सही से उसे वो लोग समझ पाए थे। सलाम है जेएनयू की जिजीविषा को। पूरे हिंदुस्तान में शायद कहीं ऐसी नजीर और नहीं मिल सकती है।
सच बात है। जेएनयू शायद इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जेएनयू अपने जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता है उस तेवर को उसने बरकरार रखा है। मेरा एक शेर है कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। इमरान नहीं कह रहा ये बात, जेएनयू कह रहा है कि उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं वो नज्म पढ़ता हूं जो नज्म मेरे दिल के बहुत करीब है और जिस नज्म में आपको उस मां की आहें सुनाई पड़ेंगी, उसकी चीखें सुनाई पड़ेंगी जो कभी एड ब्लॉक पर तो कभी जंतर मंतर तो कभी इंडिया गेट के सामने पुलिस के जरिए घिसटती हुई भी चीख चीख करके कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं पढ़ता हूं वो नज्म साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। हाल मेरा नहीं पूछता है कोई, हाल मेरा कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता रहा हूं नज्म, आज उनके सामने पढ़ रहा हूं तो शायद बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा होकर के पढ़ रहा हूं। ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि या तो हमारी कोशिशों में कहीं कमी है या हमारी दुआओं में असर नहीं है, वरना अब तक तो वापस आ ही जाना चाहिए था। मैं हिंदुस्तान की अमन पसंद आवाम से, हर मजहब के लोगों से गुजारिश करता हूं कि उस एक माँ के आंसू को समझिए, क्योंकि माँ के आंसुओं की कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, माँ सिर्फ माँ होती है। जिस दिन हिंदुस्तान ये बात समझ जाएगा उस दिन नजीब हमारे बीच में होगा, ये बहुत सच बात है। मैं एक बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं।
कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश की महोबा की एक जनसभा में कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पे उनका हक दिला के रहेंगे। वो ये कहते हैं कि हम मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। कभी कभी मन करता है कि 7 RCR के बाहर जाया जाए। गए हैं ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना ये साहेब से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। पूरी नज्म इन 4 मिसरों के लिए ही कही, और सलाम करता हूं मैं इस मां के जज्बे को, सलाम करता हूं इनके आंसुओं की ताकत को। मां आप ये मत समझना कि आपके आंसू जाया जा रहे हैं, बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। यूं ही नहीं हुआ है नोटबंदी का फैसला, मैं तो महसूस कर रहा हूं कि आपके आंसुओं ने करवाया है ये फैसला, शुरुआत है ये। मेरे मिस्र सच्चे लगे तो पहुंचाइएगा कुछ दूर किलोमीटर अपने एसी कमरे में जो सोए हुए तथा कथित कॉकस बना करके बैठे हुए सियासत के लोग हैं। इमरान का तेवर बोलता है इन मिस्रों में, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना ये साहेब से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहेब, है एक माँ साहेब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। तो उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, जुल्म से पहले भी था, ज्यादती से पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये नहीं थी। हमें इसको पहले खत्म करने की लड़ाई लड़नी है। कि उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।